हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब ठीक होंगे। मैं भी थोड़ा ठीक हूँ। कल से अभी जा रहा हूँ डॉक्टर के पास, हालांकि आज उतनी दिक्कत तो है नहीं, बट अभी जा रहा हूँ फिर भी, क्योंकि वहाँ से आया हूँ यहाँ तक तो दिखाने के लिए। फिर मैंने कहा यार, अगर नहीं जाता हूँ डॉक्टर के पास तो क्या फ़ायदा मेरा यहाँ आया आने का। तो अभी चल रहे हैं मैं और विकास। तो अभी गाइस, कल रात को बहुत थक गया था मैं ट्रेवल से, तो उसी वजह से फिर वो एंड आपका खाना वाना खाने का वो क्या चीज़ का वो आपको दिखा नहीं पाया, क्योंकि मेरा इतना थकान से बुरा हाल था कि क्या पता। मैंने खाना भी आई थिंक एक रोटी समथिंग ही खाई है। एडिटिंग भी बाद में मेरी सूरज ने की है, क्योंकि मैं बहुत थक गया था। उसी ने आज की वीडियो मेरी अपलोड कर दी थी रात वाली। मैंने बोला जो जो शॉट रखने हैं वो तो अपने हिसाब से देखे करके एडिटिंग कर दियो। तो उस बंदे ने मेरी बहुत हेल्प की। रात में तो सो गया जल्दी, तो अभी उठाऊँ मैं सोने से। तो अभी विकास कह रहा है, सूरज तो अपने काम पे निकल गया, खैर नहीं उसके, और सूरज अभी विकास है। विकास कह रहे हैं मामा हम दोनों चलते हैं। तो अभी चलते हैं गाइस डॉक्टर के पास, उसके बाद ही देखते हैं कि क्या है क्या नहीं है, क्या दिक्कत है पेट में, अगर हो सकता है। मुझे तो अगर हालांकि कुछ भी नहीं होगी, पर एक अपनी सेटिस्फाइज के लिए दिखाना तो बनता है। तो अभी यहाँ आया हूँ, तो भाई चलते हैं अभी डॉक्टर के पास। विकास तैयार है तू? जी मुझे ठीक है। तो अभी गाइस निकल रहे हैं हम लोग, चल विकास। बाय मामा। निकाल ली स्कूटी। तो अभी गाइस निकल गया यहाँ से सीधा। यहाँ पे ये लोग कह रहे हैं कि मास्क हम लोग पहनते नहीं, तो मैंने भी नहीं पहना, क्योंकि कह रहे हैं अजीब सा लगता है ऐसे चलाने में मास्क के, बिना मास्क के ही चलते हैं। जब ये स्कूटी चलाने के लिए बोल रहा था, मैंने कहा मैं नहीं चलाऊंगा, तुम चला। पहुँचने वाले हैं बस, थोड़ा सा दूर है अभी डॉक्टर, यानी कि न्यूरोलॉजिस्ट के पास जाने वाले हैं। जिंदल क्लिनिक बस पहुंच गए हम लोग। तो गाइस पहुंच गए जिंदल क्लिनिक पे, अभी चलते हैं अंदर। तो अभी गाइस अल्ट्रासाउंड भी करा लिया, पर उसमें कुछ निकला तो है नहीं। अभी वो कह रहे हैं कि हो सकता है इन्फेक्शन की वजह से दर्द कर रहा हो। तो अभी जा रहे हैं सीधा जिन्होंने हमें यहाँ रेफर किया था उनके पास, दिखाते हैं रिपोर्ट, देन फिर चलेंगे सीधा घर के लिए। तो गाइस चलते हैं सीधा अंदर, दिखाते हैं रिपोर्ट, उसके बाद फिर देखते हैं क्या है, दवाई देते हैं या फिर घर भेजते हैं। तो अभी गाइस विकास ले रहा टैबलेट। तो अभी गाइस दिखा तो लिया यहाँ पे, और अभी कुछ निकला भी नहीं। चार दिन की दवाई दी है डॉक्टर ने, बोला कि उसके बाद में अगर दोबारा हो तो आना, वरना कोई दिक्कत नहीं है। वैसे भी ठीक ही है, बट चार दिन में क्या कि अगर दवाई खा के हो जाता रिली, उसके बाद फिर आने की ज़रूरत भी नहीं है। वैसे भी अल्ट्रासाउंड तो क्लियर आया। तो अभी चलते सीधा घर के लिए। तो अभी गाइस आ गए घर पे, और अभी लंच कर रहे हैं। लंच में आज दिन है हम लोग के लिए, ये बनाई है बिरयानी और सैलेड है, और ये रात की दाल नहीं है, अभी की दाल है, और रात का ये रहा घिया चना। तो गाइस लंच करते हैं अभी, विकास भी बैठा हुआ है लंच करने के लिए, क्योंकि इन लोगों ने तो कर लिया था लंच, हमें और विकास रह गए, और हमारे मन्नू भी बैठे हुए सामने, वो कह रहे मेरे पे कैमरे लगा रहे। ये मन्नू है, ये भी लंच कर रही है हमारे साथ में। तो अभी गाइस इवनिंग वॉक पे निकले हम लोग स्कूटी लेके, मैं मन्नू और अपना ये राजा जी, तीन लोग हम लोग इवनिंग वॉक पे निकले अभी स्कूटी लेके। वो बहुत मज़ा आ रहा भाई, जूस लेने आए यहाँ पे हम लोग सब्जी मंडी। बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे, सारे लोग अच्छे आए, और यहाँ से लेंगे अभी हम बहुत सारे फ्रूट और वेजिटेबल्स के लिए, क्योंकि आज बहुत दिनों के बाद हम लोग यहाँ पे आ रहे हैं, उसके बाद हम लोग देखते हैं फिर क्या होता है। बहुत मज़ा आ रहा है यहाँ पे, देखो कितना करा होता है, ओ लहरा एकदम लहरा। तो अभी गाइस इतने अच्छे फ्रूट्स होने के बाद भी ये कह रहे हैं देखेंगे, पता नहीं क्या देखेगा इसमें, मतलब सही नहीं है, उसके बाद भी कह रहे देखेंगे। तो अभी गाइस देखो मस्त क्वालिटी के केले हैं यहाँ पे, एकदम सॉलिड।
अभी का फ्रूट्स ले लिए यहाँ से केले, और भी अभी कुछ है जो अभी आगे जाके लेंगे। तो क्या हुआ? चुप कर। अंग्रेजी भी है यहाँ तो। तो भी गाइस निकल आए सब्जी मंडी से, बहुत सारा सामान ले लिया था, बाकी तो मैंने शूट किया नहीं, वहाँ तो बहुत ट्रैफिक था उस वजह से। बाकी अब हम चल रहे सीधा घर के लिए। घूम भी लिया हमने, विकास ने भी काफ़ी घूम लिया, उसको भी बहुत मज़ा आ गया घूमने से। अभी चल रहे सीधा घर के लिए। आगे बहुत ट्रैफिक है, बहुत बतेरे एकदम, यहाँ तो गुड़गांव से भी ज़्यादा ट्रैफिक है बीच में। तो भी गाइस यहाँ बहुत अच्छा लग रहा है, गुड़गांव से भी काफ़ी अच्छा लग रहा है। दिल्ली में तो मैं बहुत कम ही घूमता हूँ ऐसे, पर यहाँ करनाल में मुझे बहुत अच्छा लगता है। जब भी आता हूँ मैं, इन लोगों के साथ ट्रैवल करो आराम से अपना, और लगे रहते हैं हम लोग। मनु कैसा लग रहा है? बहुत बढ़िया लग रहा है, अच्छा लग रहा है ना। अभी तू स्कूटी भी तो सीखेगी, आगे चल के सीखेगी ना वो तो। हाँ ट्रैफिक में नहीं, वरना तू किसी को ठोक देगी तो। जहाँ से ट्रैफिक नहीं आएगा ना मनु, वहाँ से सिखाएंगे तेरे को, ठीक है? आगे जाके आधा तो तूने सीखा हुआ है ना पहले, आधा तूने सीखा हुआ है, बाकी और तेरे को सिखा देंगे अभी थोड़ी देर में, ठीक है? हवाएं भी चलती एकदम मस्त तरीके से। ओहो क्या मज़ा आ रहा है। हाँ दिन में तो बहुत गर्मी थी यहाँ पे, हालत टाइप की गर्मी से। बट अभी मैंने विकास को बोला स्कूटी निकालो, इवनिंग वॉक पे चलते हैं, तो ये बोला घास स्कूटी में हम लोग बाहर भी घूम लेंगे, देन हवा भी, और बहुत अच्छा भी लग रहा है हमको घूमने से। तो अभी गाइस यहाँ पे हम लोग उतर गए, और सामने की तरफ को ये अभी खाली एरिया है यहाँ पे, और आप चलाएगी हमारी मन्नू स्कूटी। अब सारा मन्नू पे डिपेंड करता है, ये हमें घर तक छोड़ती है या फिर आधे रास्ते में गिर देती है। गाइस हमारी मन्नू फुल कॉन्फिडेंस में यहाँ चला रही है, और वो विकास को कह रहे तू ना चला, तू ना चला, वो फुल कॉन्फिडेंस में चला रही है, उसको बहुत अच्छा लग रहा है। यो हनी सिंह बना हुआ है, मैं हूँ गाइस विकास। अगर वो गाड़ी चलाना स्टार्ट कर देगा, मेरा नाम विकास है, वो जलेबी बना देगी, मामा जी हैं। मनु अभी फाइनली सीख गई है और बहुत अच्छा चला रही है, अभी बहुत अच्छा लग रहा है। मनु यार तेरे को अभी तो तू सीख ही रही है। तभी घर में पहुँच गए, और दी देखो हमारे लिए खाना बना रही है, और वो रॉक स्टार बनी हुई रॉक स्टार, देखो आपको दिखाता हूँ। ये देखो लौकी चिल रही है गाने बजा बजा के, मानना पड़ेगा भाई। तो अभी गाइस ये मेरी हंसी दी है, क्योंकि आपने रेखा दीदी तो देख ली है, और रेखा दी भी देखी है, देन सीला भी देखी है, ये मेरी सबसे बड़ी दी है, सबसे बड़ी थी, ये मुझे बहुत प्यार करती है। मैं ज़्यादातर इन्हीं के यहाँ आता हूँ, क्योंकि बचपन से क्या है, जब सूरज शंभू छोटे छोटे थे, सूरज शंभू आपने कल मैंने आपको वीडियो में दिखाई दिया, वो जब छोटे छोटे थे मैं तब से यहाँ आता रहा हूँ। बट आज देखो वो मेरे से भी ऊपर हाइट के हो चुके हैं, पर मेरा प्यार इतना है उनके प्रति, और वो भी मुझे बहुत प्यार करते हैं, और ये मेरी दी है। अगर मेरे को कुछ भी तकलीफ होती है, कुछ भी होती है, तो बोलती है तो यहाँ तेरा सारा शॉर्ट आउट करूँगी, कुछ भी दिक्कत है प्रॉब्लम है हर चीज़ का शॉर्ट आउट कर देती है। अभी देखो आराम से अपने गाने सुन रही है, और ये सब्जी भी काट रही है, वो मस्त हो गए। तो जी कैसा लग रहा है आपको, कितने महीने के बाद में यहाँ आ रहा हूँ? अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है। आज हम मिले खाने में क्या बना रहे दीदी? घी आलू, ठीक है, वो कल की तरह बनाना, एकदम टेस्टी बनाए थे कल। ये आपको कैसा लग रहा है? मैं ये ब्लॉगिंग का काम कर रहा हूँ, हालांकि आप मेरी वीडियोस देखते ही हो। अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है ना, अच्छा काम कर रहा हूँ, कोई बेकार तो नहीं ना दी इसमें? नहीं, अपनी पर्सनल लाइफ को शेयर करता हूँ, क्या है कि हर कोई तो अलग अलग तरीके से वीडियोस बनाते हैं, पर मेरे को ऐसा ही अच्छा लग रहा है, क्योंकि ये चीज़ मैं कर सकता हूँ तो इसमें कर रहा हूँ, है ना? अच्छा काम कर रहा हूँ ना दीदी। बस एक आप ही से भी चाहिए थी कि मैं काम कैसा करूँ क्या नहीं कर रहा हूँ, बाकी रेखा दी रेखा दी सब लोगों ने बोला कि ठीक है हम तेरा साथ देंगे, आप मेरा साथ दोगे? दोगे दिखाने के लिए आया, क्योंकि सर लोगों का भी बहुत बहुत थैंक यू कहना चाहूंगा जो उन्होंने मेरे को छुट्टियां दी, वरना छुट्टियां बहुत कम मिलती थी। जो वाली अभी वाली कंपनी में लगाओ ना मैं, इसमें बहुत छुट्टियां कम देते, देते भी नहीं है छुट्टियां, अप्रूवल तो होती नहीं, एक दिन की चाहे एक दिन की चाहे दो दिन की, वो तो मेरे को दिक्कत चल रही थी, उस वजह से उन लोगों ने मेरे को छुट्टियाँ दे दी, देन फिर मैं आप लोगों से भी वो मिल लिया, और आज डॉक्टर से भी मिला, उन्होंने भी बोला अल्ट्रासाउंड में कुछ भी नहीं है, और मेरी तबीयत भी अभी ठीक है, और मेरे को खुद को अच्छा लग रहा है ना। चलो तब तक आप खाना बनाओ, हम अभी आते हैं, ठीक है? ठीक है। तो अभी गाइस तब से तो हम लोग विकास में और मोनिका घूम रहे थे,
इवनिंग वॉक पे अभी सूरज आया, बोला मामा मेरे साथ भी चलो, तो अभी सूरज के साथ भी वॉक कर रहे हैं। वॉक क्या स्कूटी पे अभी सवार है ये, मैं स्कूटी चला रहा हूँ, देन ब्लॉगिंग भी स्टार्ट की हुई है, ब्लॉग भी बना रहे हैं हम लोग। सूरज कैसा लग रहा है तेरे को? मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है। प्रकाश चंद्रा ब्लॉग, मेरे को नहीं पता, आप जैसे मुझे लाइक करो, सब्सक्राइब करो, चाहे कुछ भी करो लेकिन चैनल सब्सक्राइब करो। और जितना हो सके गन पाना सीखो, गन पाना बहुत अच्छी अच्छी कला का नाम है। नवामा नहीं आपसे रिक्वेस्ट है सर, ये बहुत अच्छे चैनल बनाते हैं एवरीवन, तो आपसे रिक्वेस्ट है इनको सपोर्ट किया जाए। ये देखिए बिना हेलमेट के घूम रहे हैं जंगी पहन के, और ये गेड़िया मार रहे हैं पूरे मॉडल टाउन में। एक मिनट दोस्तों, मेरा फ़ोन आ गया। तो अभी गाइस डिनर तो कर लिया है, तो गाइस टैबलेट ले रहा हूँ क्योंकि खाली पेट वाले तो मैंने खा ली थी। यहाँ बार बार लाइट जा रही है पता नहीं क्यों, अभी खाली पेट वाले तो मैंने खा ली है, और अभी ये रह गई है, दो टैबलेट्स ही हैं बाकी। तो डॉक्टर कह रहा था एक तो पेन किलर की है, बाकी वैसे है। देखो कितना रिलीफ होता है, कितना आराम होता है मेरे को। तो अभी गाइस आज के दिन बहुत ट्रैवल किया, यहाँ वहाँ बहुत जगह घूमने गए, देन डॉक्टर को भी दिखाया, और जो मेरा प्रॉब्लम था वो भी सॉर्ट आउट हो गया है, और अभी मैंने दवाई भी ले ली है रात की जो डॉक्टर ने बोली थी। तो अभी गाइस इस ब्लॉग को कर रहा हूँ मैं यहीं पे एंड। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आएगी, पसंद आएगी तो लाइक कर देना, कमेंट्स करना और शेयर करना, और अगर मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ जरूर सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय, गुड नाइट एंड टेक केयर गाइस, मिलते जल्दी नेक्स्ट ब्लॉग में।